अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, जरा सुनिए और इसका लुत्फ लीजिए और हुजूर के दिए गए इस वादे पे दिल के करार का सामान कीजिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं यकफुली अल्लाह यसअल अन्नास शैया, जो शख्स मुझे इस बात की जमानत दे कि वो अल्लाह के अलावा कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं करेगा, जब भी कोई मुश्किल हुई, जब भी तकलीफ हुई, तो वो सवाल मालिक की दहलीज पे करेगा, वो मुसल्ला बिछाएगा और रब से कहेगा मेरा मसला ये है। जो शख्स मुझे ये जमानत दे कि वो अल्लाह की दहलीज पे अपने सवाल रखेगा, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं कहेगा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अतकफ्फलु लहू बिल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। और ये रिवायत हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हजरत सोबान ने जब हुजूर से ये फरमान सुना तो उन्होंने कहा हुजूर मैं जमानत देता हूँ, मैं जिंदगी भर अल्लाह के अलावा किसी से सवाल नहीं करूँगा। और सहाबा ने फिर इस पर अमल करके दिखाया। सहाबी का कोड़ा गिरता है और वो भी घोड़े से नीचे उतर के खुद उठाता है। कहा जाता है जनाब आपने कह दिया होता हम उठा के दे देते। कहा नहीं, हमने हुजूर से अहद किया था कि अल्लाह के अलावा किसी से सवाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने इतना लिहाज रखा और अपने वादे की पासदारी इस अंदाज से भी की। तो ये है वो दौलत जो किसी बंदे को अल्लाह साले आमाल के नतीजे में अता करता है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये किसी शख्स का ज़ईफ यकीन है कि जो उसके पास मौजूद है उस पर उसको एतमाद है, और उसका जो हिस्सा अल्लाह के पास मौजूद है उस पर उसको एतमाद नहीं है। देखिए, एक शख्स के पास कुछ पैसे मौजूद हों, उसकी जेब में है, उसके लॉकर में है, घर में है, और एक वो उसका माल है जो बैंक में पड़ा हुआ है, तो जिस तरह वो अपने हाथ में मौजूद पैसों पर मुतमईन होता है, बैंक में पड़े हुए पैसों पर भी ऐसे ही मुतमईन होता है, कहता है वो भी मेरे ही हैं। तो जो शख्स बैंक में पड़े हुए पैसों पर तो मुतमईन है, घर में मौजूद रकम पर तो मुतमईन है, उसके हाथ में उसकी जेब में जो है उस पर तो मुतमईन है, और उसकी किस्मत का जो अभी अल्लाह के पास है, उसने अभी उसको दिया नहीं, उस पर मुतमईन नहीं है, तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं इससे बढ़कर ज़ोफ़ यकीन और क्या होगा कि जो उसके पास है, जिसको चुराया जा सकता है, जिसको चोर खींच सकता है, जो गिर सकता है, जो छीना जा सकता है, उस पे तो यकीन कर रहा है कि ये मेरा है, और जो उसका हिस्सा अल्लाह के यहाँ है उस पे यकीन नहीं कर रहा। तो कहा कि इससे बढ़कर फिर और ज़ोफ क्या हो सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कनात का नूर रखने वाले ही मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। इब्ने जौज़ी ने कहा था कि जिस शख्स की ज़िंदगी में कनात आ गई उसकी ज़िंदगी मुतमईन हो गई, और जिस शख्स की ज़िंदगी में तमा आ गया उसकी ज़िंदगी घुटन का शिकार होगी, अज़ियत का शिकार होगी। हज़रत सहल बिन साद अस्सादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मिलती है कि एक शख्स हुज़ूर की खिदमत में आया और उसने हुज़ूर से एक अजीब सवाल किया। उसने कहा हुज़ूर मुझे कोई ऐसा अमल इरशाद फरमा दीजिए कि अगर मैं वो करूँ तो मुझसे अल्लाह भी प्यार करे और अल्लाह की मखलूक भी मुझसे प्यार करे, एक अमल ऐसा बता दीजिए अगर मैं वो अमल बजा लाऊं तो अल्लाह मुझसे प्यार करे और उसकी मखलूक भी मुझसे प्यार करे। अल्लाह के महबूब ने उसको जो जवाब दिया उसका मफहूम सुन लीजिए। आका करीम ने फरमाया जो दुनिया में मौजूद है मुयस्सर है उससे बेरगबत हो जा, तेरी जरूरतें तो पूरी होंगी इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन तेरी रगबत उधर ना रहे, जोहद फिर दुनिया इख्तियार कर ले तो तुझसे अल्लाह प्यार करेगा कि ये बंदा दुनिया में रह के भी दुनिया का नहीं मेरा है, और जो लोगों के पास है उनसे बेनियाज हो जा तो लोग तुझसे प्यार करेंगे, और अगर तू लोगों की जेबों पे नजर रखेगा और लोगों की दौलत में उनके माल में तुझे रगबत होगी तो फरमाया कि फिर लोग तुझसे दूर हट जाएंगे। तो अल्लाह कनात का नूर अता फरमाता उस शख्स को जो अच्छे और साले अमाल बचा लाए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नियत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।